तो डरन का डंपर ट्रक है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आपके डंपर ट्रक में प्रॉब्लम है क्या? चलो मैकेनिकल साथियों। समझ गया, आपका डंपर ट्रक आपकी सारी चीजें फेंक रहा है। मुझे लगता है कि पिस्टन बदलना पड़ेगा। पिस्टन लाता हूं, तब तक तारों को काट दो ताकि ये सारी चीजें गिर ना पाए। इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे ये तार वापस कैसे जुड़ गए? अच्छा, तो वो तुम थे जो तार वापस जोड़ रहे थे। चलो कोई बात नहीं, बहुत मजाक हो गया, अब हम अच्छे से काम करते हैं। तो ये रहा तुम्हारा पिस्टन डियर, पर तुम्हारा पुराना पिस्टन भी काम आ सकता है। ओके मैकेनिकल साथियों, हो गया। देखो तुम्हारे लिए नए पिस्टन पट्टियाँ, वो भी डैलन के पुराने पिस्टन से। साइन को फिर से पेंट करने का वक्त आ गया है। ब्लू, जरा कलर उठाओ और मदद के लिए तुम ऊपर जाओ। अरे नहीं, फियोना का बम्पर टकरा गया है। अंदर आओ, तुम्हें ठीक करते हैं। ग्रीन, हमें स्ट्रॉन्ग गम की जरूरत होगी, प्लीज। हरा नहीं होना चाहिए। हाँ, गम येलो और ब्लू के पास हो सकता है। जल्दी रेड, जल्दी से छत पर जाओ। ओ बेचारा रेड, अब छत पर कहीं और से चढ़ना पड़ेगा। ओ डियर, यहाँ बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। गम पूरी तरह से सख्त होने से पहले तुम्हें आजाद करना होगा। फियोना, क्या मैं तुम्हारा पाइप ले सकता हूँ प्लीज? फिक्र मत करो मैकेनिक साथियों, जल्दी से तुम्हें आजाद कर देंगे। बहुत अच्छे मेरे दोस्तों, अब फियोना और मैं दोनों अच्छे लग रहे हैं। इस महान रेस में आपका स्वागत है, जहां मैं विल्बर टी वीजल इस शहर का सबसे तेज मैकेनिक है, और मेरा साथ देगा मेरा टर्बो पावर्ड मॉन्स्टर ट्रक। फिक्र मत करो टिली, हमें जीतने के लिए टर्बो इंजन की जरूरत नहीं है, तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगी। तो गेको, जब लाइट हरी होगी तब रेस शुरू होगी। रेडी स्टेडी गो। चलो चलो टिली ट्रक, चलो। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द मुझे मेरा चमकीला मेडल मिले, जो मेरी चमकीली घड़ी के साथ मैच करेगा। हाँ ऐसे ही टिली, धीरे धीरे आराम से। Thank you.
टर्बो पावर एक्टिवेट हो। रुको मत, हमें जाकर उन्हें बचाना होगा। हम डूब रहे हैं, बचाओ। फिक्र मत करिए मिस्टर विल्सन, हम आपको यहाँ से जल्दी बाहर निकाल देंगे। शायद तुम बिल्कुल ठीक तरीके से जीते, पर देखना अगली बार मैं ही जीतूंगा। ऐसे ही मजेदार रेसेस को देखने के लिए गैको के गैरेज में आइए। बाय बाय। तुमने सही कहा ग्रीन, वहाँ आग लगी है। ऐसा लग रहा है फियोना फायर ट्रक आ रही है। ओ नहीं, मम्मी और बेबी ट्रक साथ में रेसिंग कर रहे हैं और फियोना का सायरन उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। फियोना, लगता है तुम्हें एक तेज आवाज वाला सायरन लगाना होगा। चलो मैकेनिकल्स, चलो फियोना का नया सायरन लगाते हैं। हाँ ऐसे ही, बस हमें एक अच्छी सी नी नौ आवाज चाहिए। काम हो गया, शुरू हो जाओ फियोना। ये तो ठीक नहीं है, ये तो डोरबेल की आवाज है। फिर से ट्राई करते हैं। अरे ये तो डायनासोर की आवाज है, हमें चाहिए नीनो। हाँ ये नीनो है, पर इसकी आवाज तेज होनी चाहिए। ट्रैफिक में हमें तेज आवाज चाहिए येलो। सायरन की आवाज तेज करो ताकि वो सुनाई दे। अब आई ना नीनो की तेज आवाज। बाय फियोना, गेकोस गैरेज में आने के लिए शुक्रिया। ये लो एरिक, अब तो ठीक है ना? ये क्या था? ओ ये तो मैक्स द मॉन्स्टर ट्रक है, उसे यहाँ नहीं खेलना चाहिए। कंस्ट्रक्शन की जगह सुरक्षित नहीं है। देखो मैक्स कितना नुकसान कर रहा है। नहीं, मैक्स का फ्यूल खत्म हो गया, हमें उसे निकालना होगा इससे पहले कि कंक्रीट सूख जाए। जाओ मैकेनिकल्स, जल्दी से पेट्रोल लेके आओ। ओह डियर, ये कंक्रीट तो बहुत जल्द सूखने वाला है। समझ नहीं आता अब हम ये पेट्रोल मैक्स तक कैसे पहुंचाएंगे। एरिक ने एक ब्रिज बना दिया। कंक्रीट सूखने ही वाला है। चलो मैक्स चलो।
लगता है मैक्स को उसका सबक मिल गया। थैंक्स एरिक, तुमने अच्छा काम किया। अगली बार फिर मिलेंगे। बाय। हेलो दोस्तों, गेकोस गैरेज में आपका स्वागत है। आज हम बॉबी द बस का चेकअप कर रहे हैं। बस होने ही वाला है। रुको, मैकेनिकल्स, मैं अभी भी बस के ऊपर हूँ। बॉबी, बॉबी, ओ डियर, वो मुझे सुन नहीं सकता। मैकेनिकल्स, जल्दी करो, मुझे यहाँ से निकालो। ओ, वो देखो, सामने एक ब्रिज है। बॉबी तो बहुत तेज जा रहा है। अरे वो देखो, एक ऊंचा ब्रिज। यही सही वक्त है मैकेनिकल्स, अगर मैं इसे पकड़ सकूं। छूट गया, अब क्या करूं? ओ, बहुत अच्छे येलो, तुमने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं बॉबी, तुम्हें मालूम नहीं था और किसी को चोट भी नहीं लगी। मदद के लिए शुक्रिया मैकेनिकल्स, मैं तुम्हारे बिना क्या करता। बाय। हेलो दोस्तों, आज ग्रीन का बर्थडे है और हम एक बीच पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। आराम से, ये हीलियम के बलून्स हैं, इसलिए ये उड़ते हैं। सब कुछ तैयार है, हम बस फियोना फायर ट्रक का इंतजार कर रहे हैं केक लाने के लिए। ध्यान से फियोना, आगे मत आओ, आगे गीली रेत है। जल्दी करो, हाई टाइड आ रहा है। हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे फियोना। हाँ, हम सारे बलून से फियोना को लिफ्ट कर सकते हैं। जानता हूँ तुम्हें बलून्स अच्छे लगते हैं, पर फियोना को उनकी जरूरत है। हमें दे दो प्लीज। काम बन गया, काम बन गया। ओ, कुछ ज्यादा ही ऊपर हो गया, वो उड़कर दूर जा रही है। समझ गया, चलो चलो मैकेनिकल्स। बहुत अच्छे मैकेनिकल्स, देखो पार्टी के और मेहमान भी आ गए। आप सबके आने से खुशी हुई। बलून्स देने के लिए शुक्रिया ग्रीन, एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। हुरे! गेकोस गैरेज में आपका स्वागत है। आज कितना सुहाना दिन है, इसलिए रेड छत पर जा रहा है। वो वहाँ जाकर हमारे नए सोलर पैनल की फिटिंग करेगा। ये सूरज की ऊर्जा को सोख लेंगे और इसे पूरे गैरेज के लिए बिजली में बदल देंगे। हेलो बॉबी, ये तुम्हें क्या हुआ? बहुत गंदे दिख रहे हो, हमने तो कल ही तुम्हारी सफाई की थी। कोई बात नहीं, स्प्लिश स्प्लैश स्प्लॉश, एक्टिवेट करो गेकोस कार वॉश। हो गई सफाई, अब तुम चलने के लिए तैयार हो बॉबी?
तुम तो फिर से गंदे हो गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लगता है तुम्हारी सफाई हाथों से करनी होगी। लो हो गए साफ। तुम अपने रूट पर जा सकते हो बॉबी। अच्छा, इसलिए तुम गंदे हो रहे हो। तुम्हारा पुराना पेट्रोल इंजन। क्या तुम्हें एक नया और साफ सुथरा इलेक्ट्रिक इंजन चाहिए बॉबी? हाँ? सोलर पैनल्स तैयार हैं? सोलर पैनल सूरज से ऊर्जा लेते हैं और बॉबी को चलने के लिए क्लीन पावर देते हैं। हुरे! तो आप सबसे फिर मिलेंगे दोस्तों गेकोस गैरेज में। बहुत अच्छे मैकेनिकल्स गैरेज को अच्छे से साफ और चमका देते हैं। ओह, लगता है कोई कस्टमर आया है। ये तो ट्रक फैमिली है। मम्मी ट्रक, मम्मी रिसाइकल और बेबी ट्रक, जो शायद थोड़ा परेशान है। हिलता हुआ दांत। इसमें घबराने की कोई बात नहीं बेबी ट्रक। इसके निकलने के बाद तुम इसे अपने सिरहाने रख देना और तुम्हें मिलेगा एक सोने का सिक्का। ओह नहीं, छींक आने से बेबी ट्रक का दांत निकल गया। ओह फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। चलो चलो मैकेनिकल्स। यक! सॉरी ग्रीन, ये तो दांत नहीं है। ध्यान से येलो। ओह, हमने सारा गैरेज ढूंढ लिया लेकिन कहीं भी बेबी ट्रक के दांत का कुछ पता नहीं चला। जरा एक मिनट रुको, हमने एक जगह पर अभी नहीं ढूंढा है। ब्लू के डस्टर के अंदर। आहा, ये लो बेबी ट्रक, अब घर जाओ और इसे तकिए के सराहने रख लो। और हम आपसे मिलेंगे और भी नए एडवेंचर्स के साथ गेकोस गैरेज में। बाय। आचू। हेलो दोस्तों, गेकोस गैरेज में आपका स्वागत है। आज काफी कीचड़ है तो हम अपना कार वॉश रेडी कर रहे हैं। वो देखो, बेबी ट्रक आ रहा है साफ होने के लिए। हेलो बेबी ट्रक, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। स्प्लेश स्प्लैश एंड स्प्लॉश, चालू करो गेकोस कार वॉश। ये तो सही नहीं है, तुम अभी भी कीचड़ से भरे हो। ओ अच्छा, हमने इसमें साबुन डाला ही नहीं। बिना साबुन के चमकती हुई सफाई नहीं मिल सकती। अब साबुन ऊपर तक भर चुका है, अब सारी मिट्टी धुल जाएगी। अजीब बात है, रोलर से तो धुलाई अच्छे से हो जानी चाहिए थी। आहा, अब समझ आया, बेबी ट्रक इतना छोटा है कि रोलर्स उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे।
हुर्रे! कार वॉश ने काम कर दिया और बेबी ट्रक बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय। ये तो मम्मी ट्रक और बेबी ट्रक हैं। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? सुरंग ब्लॉक है और आप जा नहीं सकते। मैं एक बार देखता हूँ। ओह, सुरंग रह गई है। यहाँ से भी ढह गई। हम तो अंदर फंस गए। फिक्र मत करो, मेरे पास मेरी टूल किट है। हमें इससे बड़ी टूल किट चाहिए। इस चट्टान को तो टिली भी नहीं हटा पा रहा। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मालूम था आप में इतनी ताकत है। मम्मी ट्रक ने हमारी जान बचाई। मैं एरिक द एक्सकेवेटर से कह दूंगा कि वो ये सारे पत्थर हटा दे। और ज्यादा फन और एडवेंचर के लिए आपसे फिर मिलेंगे गेकोस गैरेज में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गेको। आज का दिन बहुत ही सुहाना है, तो मैंने सोचा थोड़े पक्षियों को ही देख लूं। अरे देखो, वो दोनों जुड़वा भाई बैरी और कैरी। अरे नहीं, बैरी तालाब में गिर गया। जल्दी मैकेनिकल्स, हमें उसकी मदद करनी है। चलो चलो टिली ट्रो ट्रक। घबराओ मत बैरी, हम तुम्हें जल्दी वहां से निकाल लेंगे। ब्लू, चलो तुम्हें चेक करते हैं। अजीब बात है, तुम्हारा इंजन चल नहीं रहा। कैरी बैरी को खुश करने के लिए आया है। कितना प्यारा है। मुझे लग ही रहा था कुछ तो गड़बड़ है। ये मछली जरूर बैरी के एग्जॉस्ट में फंस गई थी, इसलिए इसका इंजन नहीं चल रहा था। कितना अच्छा होता है जब आपके दोस्त आपसे मिलने आते हैं, इससे आप जल्द ही ठीक भी हो जाते हो। मछली भी अपने घर सुरक्षित पहुँच गयी। उसके दोस्तों को चिंता हो रही होगी। खैर, अंत भला तो सब भला। आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गेको और हम जा रहे हैं अपने घर। हाँ? वो तो बेबी ट्रक है। क्या हुआ बेबी ट्रक, क्या तुम्हारा डमी खो गया?
परेशान मत हो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। चलो चलो मैकेनिकल्स। उन लाल फूलों के आसपास ढूंढो। तुम्हें कुछ दिखाई दिया? उन हरी झाड़ियों में देखो, क्या कुछ दिखाई दिया? वो जरूर यहीं कहीं होगा। I'm sorry, baby truck. मुझे तुम्हारा डमी कहीं दिख नहीं रहा। ब्लू, शाबाश, तुमने ढूंढ ही लिया। ये लो बेबी ट्रक। अंत भला तो सब भला। मदद के लिए शुक्रिया दोस्तों, बाय। ओ मैकेनिकल, देखो ये है ट्रक फैमिली। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये बहुत अच्छी नाव है बेबी ट्रक जो तुमने बनाई है। ओ नहीं, एक टायर। ये बेबी की नाव की तरफ आ रहा है, देखो। थैंक्स मामा। अब हम इस टायर को रिसाइकल करते हैं। हे, देखो इतना कचरा। ये सारा कचरा ऊपर की तरफ से आ रहा है। चलो चलें। तुम यही रुको येलो, नाव की रक्षा करो। इतना ज्यादा कचरा, आखिर ये कौन कर रहा है? मिस्टर वीजल, ये क्या कर रहे हैं? गेको, मैं अपने सारे कचरे से पीछा छुड़ा रहा हूँ। इसके टायर फंस गए। तुम्हें नदी में कचरा नहीं डालना चाहिए मिस्टर वीजल। ओ नहीं, वो बेबी ट्रक और बोट की तरफ सीधा जा रहा है। आपको नदी में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, यह नदी को गंदा कर देता है। आप बेबी ट्रक की बोट को लगभग बर्बाद करने वाले थे। एक बोट? मैं तब से बोट से नहीं खेला जब मैं छोटा वीजल था। मेरे पास एक आइडिया है। हम इस कचरे को रिसाइकल करते हैं, पुरानी चीजों से चमकदार नई चीजें बनाएं। मैं आपको दिखाता हूँ। पता का फेराओ, देखो यह अच्छा जहाज आ रहा है। वीजल की बोट आगे बढ़ो, ये बहुत मजेदार है। नदी एक बार फिर साफ हो गई है। दोबारा मिलते हैं, बाय। ये अच्छी खुशबू क्या है? जी हाँ, हर ग्राहक के लिए एक फ्री कबाब।
इससे मुझे और ग्राहक जरूर मिलेंगे। तुम अंदर जाओ एरिक। जल्दी से पको। कुछ जल रहा है क्या? पता नहीं इसको अब क्या हो गया। नहीं, मेरी खूबसूरत बारबेक्यू। फियोना, फायर ट्रक, यहाँ आग लग गई है। ये आवाज कैसी? जल्दी से उस आग को बुझाते हैं। जाओ जाओ मैकेनिकल्स। बचाओ बचाओ, जल्दी करो। ये क्या किया? उफ, माफ करना, पाइप उतनी दूर नहीं पहुंचेगा। अच्छा आइडिया फियोना, आओ फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें। हो, मैंने पकड़ लिया। शुक्र है सब सही सलामत है, सभी ने अच्छा काम किया। जल्दी मिलते हैं, बाय। हेलो दोस्तों, गेकोज गैरेज में आपका स्वागत है। आज का दिन एकदम शांत है, इसलिए हम गैरेज की सफाई कर रहे हैं। हाँ, ये अजीब सी आवाज कैसी है? अरे बॉबी द बस, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आ जाओ, देखते हैं तुम्हें क्या हुआ है। अरे बाप रे, बॉबी की तबीयत बहुत ही खराब है। चलो देखते हैं कि क्या किया जाए। शायद तुम्हारे रेडिएटर को पानी की जरूरत है। चलो जाओ मैकेनिकल्स। आओ, नहीं ये तो सही नहीं है। आओ, 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 आओ। एक मिनट रुको। आहा, बेचारे बॉबी का ऑयल लीक हो रहा है। ऑयल से इंजन बिल्कुल ठीक तरह से चलता है, हम इसे ठीक कर सकते हैं। हमें लीकेज की जगह पता चल गई है। तुम्हारे पाइप से ऑयल लीक हो रहा है, ग्रीन छेद को बंद कर देगा अच्छी तरह पाइप को वेल्ड करके, और प्लास्टर तुम्हारे आउची को साफ रखेगा। हुर्रे, वेल डन ब्लू, वेल डन ग्रीन। अब कैसा लग रहा है बॉबी? एक और हैप्पी कस्टमर। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे गेकोस गैरेज में। बाय। हेलो दोस्तों, एरिक द एक्सकेवेटर आया है सर्विस के लिए। हमें ये चेक करना है कि वो अपने खुदाई के काम के लिए फिट है या नहीं। कौन कौन मदद करेगा? तो मैं चूज करता हूँ येलो। मुझे पता है तुम्हें खेलना है, लेकिन गैरेज के काम में भी तुम्हें उतना ही मजा आने वाला है। सबसे पहले हम तुम्हारा इंजन चेक करेंगे एरिक, तो इंजन को जोर से चालू करो। तुम इससे बेहतर कर सकते हो एरिक। बढ़िया कैच येलो। वक्त है तुम्हारे कैटरपिलर ट्रैक को चेक करने का।
ये सर्विसिंग का आखिरी हिस्सा है एरिक, देखते हैं तुम्हारे डिगर आर्म्स कैसे काम कर रहे हैं। इनको ऑयलिंग की जरूरत है येलो। बहुत अच्छे एरिक, तुम सर्विसिंग का टेस्ट पास कर गए हो और अब खोदने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तुम जाकर खेलोगे येलो। मैंने कहा था ना काम में मजा आएगा। आप सबसे फिर मिलेंगे कुछ और मजेदार कामों के साथ यहाँ गेकोस गैरेज में।